ओके चलिए जी। सो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। सो हेयर पी ई इज द इंसिडेंट रे, ई एफ इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड एफ एस इज द एमर्जेंट रे। यू मे नोट दैट अ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सर्फेस ए बी। The light ray on refraction has bent towards the normal at the second surface AC. The light ray has entered from the glass to air, hence it has bent away from the normal. Compare the angle of incidence and the angle of refraction at each refracting surface of the prism. Is this similar to the kind of bending that occurs in a glass slab? The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle of direction of incident ray. This angle is the angle of deviation. In this case, angle D is the angle of deviation. Mark the angle of deviation in the above activity and measure it. ठीक है, so यहाँ पे हमें clearly ये चीज बताई गई है कि जैसे glass slab में जो emergent ray निकलती है, यहाँ पे वैसी emergent ray नहीं निकलती है। यहाँ पे जो एमर्जेंट रे निकलती है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी बताया है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो आपने देखना है, ठीक है। तो वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि उसको किस तरीके से मेजर करते हैं। स्टिल आगे आई होप के कोई एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें हमें एंगल डी निकालना होगा, ठीक है। तो वहां पे प्रैक्टिकली भी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि ये कैसे करना है। चलिए जी, सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। सो अगर आप लोगों के पास प्रिज्म होता और ये वाली एक्टिविटी आप लोग कर रहे होते तो डेफिनेटली आप एक रेनबो देख पाते। उस वीडियो में भी जो रेनबो है वो दिखाने की कोशिश की है, आप में से कुछ को दिखा होगा, कुछ को नहीं दिखा होगा, ठीक है। सो उसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे वीडियो को तो उसमें रेनबो दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टेकुलर कलर्स इन अ रेनबो। हाउ कुड द व्हाइट लाइट ऑफ द सन गिव्स अस वेरियस कलर्स ऑफ द रेनबो। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन, we shall first go back to the refraction of light through a prism. The inclined refracting surfaces of the glass prism show exciting phenomena. Let us find out through an activity. Okay, so yahan pe aap logon ko ek activity di gayi hai. Let me just see. Okay, so bahut hi simple si activity hai yahan pe jo aap logon ko di hui hai. Okay, so take a thick sheet of the cardboard and make a small hole or narrow slit on its middle. Allow sunlight to fall on the narrow slit. This gives the narrow beam of white light. Now take a glass prism and allow the light from the slit to fall on one of its surfaces as shown in figure 11.5. Turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on a nearby screen. What do you observe? You will find a beautiful band of colors. Why does this happen? हमें क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, उसमें एक स्मॉल सा होल करना है, फिर उसके बाद हमें सनलाइट को अलाउ करना है कि वो स्लिट में से पास करे। जब वो सनलाइट उस स्लिट में से पास करेगी तो एक नैरो बीम ऑफ लाइट जो है वो ग्लास प्रिज्म में स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अब उसके स्ट्राइक करने के बाद हमें क्या चीज दिखती है वो हमें ऑब्जर्व करना है, और जो चीज उसके बाद दिखती है वो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली दिखाई दी है, ठीक है। जब आप वाइट बीम ऑफ लाइट थ्रो करेंगे ग्लास प्रिज्म पे, जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी तो वो स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर जाएगी, ठीक है। व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें वो कन्वर्ट कर जाएगी और कुछ इस तरीके का रेनबो आप लोगों को दिखाई देगा। रेड ऊपर की तरफ दिखाई देगा एंड वॉयलेट आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा, ठीक है। सो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं।
The prism has probably split the incident of white light into a band of color. Note the colors that appears at the two ends of the color band. What is the sequence of colors that you can see on the screen? The various colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, as shown in the figure 11.5. An acronym VIBGYOR will help you to remember the sequence of the colors. इनको हम बोलते हैं VIBGYOR, ठीक है? V नीचे होता है, R ऊपर होता है. VIBGYOR, VIBGYOR मतलब violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Okay, this is VIBGYOR. So the band of the colored components of a light beam is called its spectrum. Okay, aur is pure ke pure band ko hum kya bolte hain? Spectrum. You might not be able to see all the colors separately. Ho sakta hai ki jab aap prism se in ye jo spectrum hai isko dekhne ki koshish kar rahe ho to aapko individual color na nazar aa raha ho sakta hai ki aap log jo वॉयलेट और इंडिगो है उसमें आप लोग ज्यादा फर्क ना कर पाओ, ठीक है? येलो और ऑरेंज में ज्यादा फर्क ना कर पाओ, ठीक है? पॉसिबल है, लेकिन आप लोगों को VIBGYOR उसमें दिखता है. नाउ देन इसके बाद गेट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर. द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन. व्हाइट लाइट जब इन सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट. क्लियर है? ठीक है, जब व्हाइट लाइट अपने सेवन कलर जो स्पेक्ट्रम है उसमें जब कन्वर्ट हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ये डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट है. ठीक है जी, चलिए. सो okay, next karte hain. You have seen that white light is dispersed into seven color components by a prism. Why do we get these colors? Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through a prism. The red light bends the least while the violet the most. Thus, the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. It is the band of distinct colors that we see in spectrum. So, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि seven colors जो होते हैं prism के, ठीक है, उसमें ये disperse क्यों करता है? Disperse इसलिए करता है क्योंकि अलग अलग wavelengths होती हैं, अलग अलग frequencies होती हैं हर एक color की. जो रेड है वो बहुत ही कम बेंड होता है, इस वजह से वो ऊपर की तरफ रहता है. वॉयलेट जो है वो बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है, इसलिए वो नीचे की तरफ चले जाता है. नाउ आफ्टर दैट आइज़क न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट. ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स इनटू द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म. हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स. ही देन प्लेस्ड द सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इनवर्टेड पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म एज शोन इन द फिगर 11.6. आइज़क न्यूटन जो है वो सनलाइट में स्पेक्ट्रम को देख रहे थे और फिर वो सोच रहे थे कि एक और स्पेक्ट्रम उनको मिल जाए अगर वो आगे एक और ग्लास प्रिज्म को रख दे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रिज्म है उसी तरीके से राइट हैंड साइड वाला प्रिज्म रखा, लेकिन उनको कुछ भी चेंज होता हुआ नजर नहीं आया. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इन्वर्ट करके देखा कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं फिर क्या होगा. फिर जो उन्होंने देखा वो एक हिस्ट्री बन गया. क्यों? क्योंकि जो स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हुई थी व्हाइट लाइट, सेकंड प्रिज्म को इन्वर्टेड रखने से वही स्पेक्ट्रम जो है अब वो दोबारा से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, यानी कि व्हाइट लाइट को अगर आप फर्स्ट प्रिज्म में स्ट्राइक कराओगे तो रिजल्ट में आपको मिलेगा VIBGYOR, लेकिन उसी VIBGYOR को अगर आप सेकंड प्रिज्म में स्ट्राइक कराओगे तो व्हाइट लाइट इमर्ज होके आ जाएगी. सो दिस वाज हिज एक्सपेरिमेंट.
एंड देन इसके बाद दिस अलाउड या दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that light is made up of seven colors. यहीं से वो theory आई कि light जो है वो seven colors से बनी हुई है. Any light that gives a spectrum similar to that of the sunlight is often referred to as white light. ठीक है? Any light that gives spectrum similar to that of the sunlight is often referred to as white light. ठीक है? White light क्या है? White light spectrum है Vibgior का. ठीक है? हमारे पास जो lights होती हैं, वो three types की होती हैं. हाँ जी तनिष, you can leave and इस lecture को मैं upload कर दूंगा, तो आप YouTube पे भी देख पाओगे. Okay, so white light जो होती है वो हमारी visible light होती है. इसके अलावा हमारे पास infrared rays होती हैं और हमारे पास ultraviolet rays होती हैं. लेकिन जो ultraviolet rays होती हैं वो below violet color की होती है. ठीक है, यानी कि उसको हम देख नहीं सकते हैं. और जो infrared rays होती हैं वो red spectrum, मतलब जो spectrum है white light का, जो spectrum है उसमें जो red position है उससे भी ऊपर होता है इंफ्रारेड, उसको भी हम लोग नहीं देख सकते. ठीक है, सो व्हाइट लाइट जो होती है ये वो लाइट है जो कि स्पेक्ट्रम की है और ये विजिबल लाइट होती है. ओके जी, देन इसके बाद है रेनबो का जो फिनोमिना है स्काई में, आप लोगों ने देखा होगा. आप में से किस किस ने रेनबो जो है वो प्लेन से भी देखा है? प्लेन, एरोप्लेन, किसी ने देखा है? चलो किसी दिन आप लोगों को अगर मौका मिला प्लेन से ये रेनबो देखने का. अभी अभी आप लोग अगर रेनबो देखते होगे तो आपको जो हेमिस्फीयर है, जो 50% ऑफ द आर्क है वो दिखती होगी, है ना? 50% या 60% ऑफ द आर्क दिखती होगी, है ना? क्योंकि आपने आप लोगों ने प्लेन से नहीं देखा तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. मैंने कम से कम भी 2 to 3 times जो रेनबो है उसको प्लेन से देखा है. और जो रेनबो होता है प्लेन से, ठीक है, वो आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सर्कल दिखाई दे रहा होता है, ऑलमोस्ट. ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पूरा का पूरा नहीं दिखाई देता? क्योंकि आप प्लेन के अंदर बैठे हो ऑब्वियसली, ठीक है, और नीचे की तरफ तो आप लोग देख नहीं सकते हो. ठीक है, तो पूरा का पूरा नहीं दिखता है, अप्रोक्सीमेटली 90% तो दिखता है, 90 to 95%. ठीक है, जब आप प्लेन से देख रहे होते हो. ठीक है, लेकिन जब भी हम लैंड से देख रहे होते हैं तो हमें हमेशा 50-60% तो दिखाई देता है. ठीक है, सो रेनबो जो है उसके बारे में अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है. रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर. इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन. The water droplets act like small prism. अभी जो रेनबो है ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग है स्काईज में. ठीक है, जब भी रेनफॉल होती है उसके बाद. अब ऐसा होता क्यों है? जो सनलाइट होती है वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स से डिस्पर्स कर रही होती है. ठीक है, सनलाइट यानी कि व्हाइट लाइट जो है हमारी, वो वाटर के जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं उनसे डिस्पर्स कर रही होती है. ठीक है, और जो रेनबो होता है वो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है. रेनबो बनता क्यों है? क्योंकि जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रिज्म की तरह काम कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer's eyes. So, अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही जो sunlight है वो water droplets यानी कि small prism के अंदर जाते हैं तो वो refract करते हैं और वो disperse करना start करते हैं sunlight को. ठीक है, रिफ्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि वो इंटरनली ही रिफ्लेक्शन कर रहे हैं और फाइनली जब वो रिफ्रैक्ट करते हैं तो रेन ड्रॉप में से
जो सेवन कलर्स हैं वो हमारे ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा होता है. यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन सॉरी यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वॉटरफॉल और थ्रू अ वॉटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू. सनी डे में भी आप लोग इस चीज को देख सकते हो, लेकिन उस चीज के लिए वॉटरफॉल आपके सामने होना चाहिए, वॉटर फाउंटेन आपके सामने होना चाहिए और सन आपके पीछे होना चाहिए, तब आप रेनबो को सनी डे वाले दिन भी देख पाओगे. ठीक है जी, सो दैट वॉज इट.